भारत में मुगलों का शासन खत्म हुए करीब 500 साल हो गए, लेकिन उनकी कई परंपराएं आज भी जारी हैं। मध्य प्रदेश में सतना जिले के चित्रकूट में लगने वाला गधों का मेला मुगल शासन की ही निशानी है। चित्रकूट में रामघाट के पास हर साल ये मेला लगता है, जो 3 दिनों तक चलता है। इस मेले की शुरुआत मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। राम की नगरी के रूप में मशहूर चित्रकूट में हर साल लगने वाले इस मेले में दूर दूर से गधों के अलावा घोड़े और खच्चर आते हैं, लेकिन इनकी पहचान गधा मेला या बाजार के रूप में ही है। इस मेले की खासियत ये भी है कि गधों के नाम फिल्म अभिनेताओं के नाम पर होते हैं, मतलब ये कि इस मेले में शाहरुख, सलमान और आमिर के नाम की बोली लगती है, जो लाखों में होती है। पिछले 2 साल कोरोना की वजह से ये मेला स्थगित रहा, लेकिन इस बार मेले में जहाँ रौनक है, तो वहीं एक से बढ़कर एक गधे भी देखने को मिल रहे हैं। मेले में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास जनपदों से व्यापारी और पशुपालक अपने गधे, घोड़े और खच्चर को लेकर आते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि 16वीं शताब्दी में औरंगजेब अपने काफिले के साथ चित्रकूट पर चढ़ाई करने आया था। यहाँ उसके काफिले में बहुत से घोड़े और गधे बीमार हो गए थे और उनकी मौत हो गई थी। काफिले में गधों की कमी होने पर उनकी पूर्ति के लिए स्थानीय स्तर पर पशु बाजार लगवाया गया था। तब से लेकर आज तक दीपावली के बाद मंदाकिनी के तट पर ये ऐतिहासिक गधा मेला लगता चला आ रहा है। ये जो बहुत ऐतिहासिक, बहुत पुराना मेला है सनातनी, और औरंगजेब के जमाने से लगता है। यहीं पे राइट हैंड में बालाजी है और औरंगजेब का मंदिर है पास में, और ये उसके लाल लश्कर यहीं डले रहते थे। तब से उनको ये चित्रकूट की परंपरा बनी है। हर दीपदान में हर साल यहाँ मेला लगता है, और ये बड़े दूर दराज से लोग आते हैं। इसमें कई नस्ल के लोग आते हैं, बिल्डिंग मटेरियल के ज़्यादा संबंध में भट्टे का काम रहता है, और ये यहाँ से वैष्णो माता, बद्रीनाथ, जहाँ ये मणिपुर बर्मा बॉर्डर जाते हैं यहाँ का जानवर, जैसे खच्चर प्रजाति है, वो कभी प्रेगनेंसी नहीं होती, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, 1.5 लाख 2 लाख तक का जानवर बिकता है यहाँ। इस साल तो अभी जो है कोई ज़्यादा व्यापारी नहीं है, पर 61,000 तक की जो है सबसे महंगी खच्चरी बिकी हुई है। मेला हम जो है वर्षों से आ रहे हैं, हमारे पूर्वज जो है पीढ़ियों से आ रहे हैं यहाँ मेले पे, और मेला जो है अब ये जो है थोड़ा धीमा हो गया है। जब से गाड़ी घोड़ा चलने लगे और गाड़ी घोड़ा आ गए, तब से जो है मेले में रौनक जो है हम लोगों की खरीदारी जो है कम हो गई है। हमारे धीरे धीरे सब व्यवस्था यहाँ से घट रही है मालिक, तो व्यवस्था हमारी घट ना जाए, हमारी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए आप औजात कीजिए। और हम लोग यहाँ आते हैं 8 पीढ़ियों से, हम तो अभी लड़के लोग हैं, हमारे बाप दादे 7 पीढ़ी से यहाँ, 8-9 पीढ़ी तक के है, अभी तो हम झूठ कम कर रहे हैं, 9-10 पीढ़ी तक का हमारा यहाँ सब कोई आ जा रहा है। वो आप ही का ये मेला है, और ये मेला हमारा टूट नहीं सकता। इस मेले का संचालन चित्रकूट नगर परिषद जिला सतना करता है। इस साल भी मेले में हजारों गधे, घोड़े और खच्चर खरीद बिक्री के लिए लाए गए हैं। वहीं इस मेले को देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आते हैं।